अब बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ढक्कन लगा के ऑन करके देख लेते हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल। हो जा ऑन। है ऑन ही हुआ। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये सामग्री वीडियो में यूज होने वाली है। तो लैपटॉप को मैं खोलने वाला हूँ क्योंकि करनी है रैम अपग्रेड। अभी लैपटॉप के अंदर है रैम मेरी 16 GB, जो कि 4800 MHz की DDR5 वाली रैम है। तो यहाँ पे भी मैं DDR5 वाली रैम लाया हुआ हूँ, 16 GB की, 4800 MHz की। तो इसकी आपने शॉट देखी होगी जो मैंने मुंबई से परचेज की थी। तो लैपटॉप की भी सफाई कर लेंगे क्योंकि लैपटॉप भी मैं साथ मुंबई लेके गया था, वहाँ पे मैं 15 दिन लगा के आया हूँ। तो लैपटॉप के अंदर मुंबई की होगी मिट्टी, वो भी हम साफ़ करेंगे, लुधियाना की भी होगी। तो पहले आपको दिखा देता हूँ लैपटॉप के अंदर 16 GB सिंगल चैनल रैम है। अगर आपने स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था नियो, तो तब ड्यूल चैनल आ रही थी, लेकिन उसके बाद वाले वेरिएंट में, जैसे कि आपको मैंने पता है आपको पता है वाला, मैंने 50 में लिया था ये लैपटॉप सेल में, तो उसकी अलग कहानी है, वो वीडियो आप देख लेना। तो रैम 16 GB इसके अंदर है सिंगल चैनल। तो ड्यूल चैनल करेंगे, टोटल हो जाएगी हमारी लैपटॉप की रैम 32 GB। फिर हम गेम प्ले वगैरह करेंगे आगे 32 GB रैम में। इस वीडियो में रैम अपग्रेड होगी और खोलना कैसे लैपटॉप को, क्योंकि खोलना बहुत मुश्किल है इस लैपटॉप को। ये चीज़ भी अलग होती है इसकी, ये चीज़ आप देख रहे हो ना, इतनी चीज़ ये अलग हो जाती है। तो इसे पहले पेज खोलते हैं। पेज खोलने के लिए ये मैंने रखा हुआ है, तो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रैम का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे ए डाटा की मैंने ऑफलाइन से ली थी मुंबई RJ डिटेल से, तो ऑफलाइन तो ये मिली थी, बाकी ऑनलाइन है या नहीं है ये नहीं पता नहीं। और इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये तो काफ़ी डिमांड वाली चीज़ है, आगे भी मैंने बहुत वीडियो में दिखाया एंड आप लोगों ने ख़रीदा भी बहुत है। तो सील वगैरह तो लैपटॉप भी देखो पहले ही खुली हुई है, इसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि सर्विस सेंटर गया था मैं, तो वो भी वीडियो आप देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। लैपटॉप सबसे पहले बंद तो कर लेते हैं एंड स्पेक्स वगैरह बताता हूँ आपको लैपटॉप की। वैसे तो आपको पता होगी जो रेगुलर मेरे हैं सब्सक्राइबर्स दोस्त, तो i5-13500HX है, जो कि 14 कोर वाला है, 16 GB सिंगल चल रहा है, 512 GB की रैम SSD है, और मैंने एक और SSD लगाई थी 1 TB वाली। तो दो SSD हैं, दो स्लॉट है। Wi-Fi 6 मिल जाता है एंड RTX 4050 वाला है ये, फुल वॉट वाला। सबसे तो पहले लैपटॉप को कर लेते हैं बंद, ठीक है, फिर ये इसका यूज़ करेंगे। ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्लेन वाला, ठीक है। तो ये भी खरीदना हो खरीद लेना, लैपटॉप का एंगल चेंज कर लेते हैं। तो लैपटॉप के नीचे मैंने रख लिया माउस पैड ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए, ठीक है। शुरुआत करने वाले हैं, रैम वगैरह यहाँ पे रखा देता हूँ, सामग्री जो भी यूज़ होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। शुरुआत करते हैं भाई सेंटर पेज से ही, जहाँ से सील हमारी हटी हुई है, मतलब ये सर्विस सेंटर से मैंने सील खुलवा ली थी कुछ भी कंप्लेंट डलवा के, बाकी वो वीडियो में मैंने बताया अच्छी तरह, वो वीडियो आप देख लेना। बाकी इसके अंदर मैग्नेट नहीं है, तो हमें लैपटॉप उल्टे करके पेज निकालने पड़ेंगे। एक तो खुल गया हमारा, दूसरा भी खोल लेते हैं। थोड़ा खोलना मुश्किल है लैपटॉप को, पहली बार खोलने जा रहा हूँ, बाकी मैंने खोलते हुए सर्विस सेंटर में देखा था, लेकिन इतना मैंने ध्यान से नहीं देखा क्योंकि सुबह मैं मोबाइल में लगा हुआ था, ट्रेडिंग कर रहा था, नुकसान कर रहा था अपना। तो उसके बाद जरूर देख लिया था कि हाँ रैम सिंगल चैनल है इसके अंदर, कन्फर्म कर लिया था मैंने, फ़ोटो भी वगैरह भी खींच ली थी मैंने, एंड जो सर्विस सेंटर वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने शो कर दी थी फोटो वाली इंटरनल्स की। बाकी अभी मैं आपको फिर से दिखाई दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके आराम से मैं पेज खोल रहा हूँ ताकि ख़राब ना हो, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा, आराम से खोल रहा हूँ। इधर वाला खोले, अरे फंस जा। तो पूरी वीडियो को देख लेना एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना, चाहे तो ये खोलने वाला प्रोसीजर चला के आप छोड़ दो वीडियो को, आगे ना करना, लेकिन वॉश टाइम चाहिए। तो 15-20-30 मिनट की वीडियो कुछ भी हो सकती है, लंबी वीडियो ये, या सीक्वेंस में खोलने चाहिए, फिर रह जाएंगे कुछ ढीले, कुछ कुछ मतलब टाइट। सीक्वेंस की तो अम्मा बहन पे आ गया मैं। तो DDR5 4800 MHz लैपटॉप में भी है एंड ये वाली भी है, इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, अभी तक मैंने खोली नहीं, 20 दिन हो गए मुझे घर आए मुंबई से, तो अभी तक मैंने खोली नहीं इसे, ठीक है। ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया।
अब देखते हैं कहाँ से खोलना है इसे। पहले तो पहले उल्टा करके पेज निकाल लें, लेकिन यार यहाँ पे घुमाऊंगा लैपटॉप है ना, टेबल पे सरक के नीचे गिर सकते हैं। तो पहले हम ढूंढते हैं कहाँ से हमने उंगली करनी है लैपटॉप में, मतलब कौन सी साइड से हमने खोलना है इसे। तो यार पेज तो एक बार निकालने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। तो पेज के लिए ऐसा करता हूँ, मैं कटोरी लेके आता हूँ। कटोरी ले आऊँ, साथ में एक कपड़ा लाया हूँ ताकि लैपटॉप को हम इसके ऊपर उल्टा करेंगे, ठीक है। तो पहले लैपटॉप को करते हैं इसके साइड पे, इसे लाते हैं आगे ताकि पेज सरक के नीचे ना गिरे। अब स्लोली स्लोली नहीं, ऐसे करते हैं इस साइड। सारे तो नहीं आए, ये गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 छः सात, कौन सा रह गया, एक ये रह गया, 8 9 10 तीन पेज रह गए हैं, उसे और थोड़ा ढीला कर लें। किधर गया पेचकस, ये जो रह गए थे है तो ढीले ही, एक बार थोड़े थोड़े और घुमा लेते हैं। अच्छा एक ये भी रह गया, अच्छा ये सील करके रह गया, एक सील बीच में आ गई, ठीक है। अब फिर ट्राई करते हैं, कितने पेज निकालने हैं हमने, 1 2 3 4, चार पेज हमारे बाकी हैं इधर। चलो अभी चार के चार आ गए, अब हुई ना बात। अबे चलो अभी टोटल कितने थे भूल गया। अब फिर वापस आते हैं हम, इसको झाड़ लेते हैं यहीं पे। भाई आ जा माउस पैड। अब खोलना कैसे है पहले समझना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा कैसे खोला था सर्विस सेंटर वाले भैया ने, भाई ने, भाजी ने। तो अच्छा ये देखो, ये चीज़ देखो, यहाँ से उठा उठा पहले दिख रहा है ये, मतलब ये चीज़ पहले ट्रे निकलेगी यहाँ से ऊपर। तो यहाँ से हम मेहनत करते हैं, ये छोटा पड़ रहा है, हमें यही चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये पट्टी बुरी है यहाँ पे एक, अरे राम नाल, लॉक लुक ना टूट जान बस। चलो भाई लॉक सही सलामत है, ठीक है। तो ये चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, उससे पहले तो इसे भी साफ़ करेंगे, तभी ये सब रखा है हमने। तो लॉक कोई लॉक वगैरह टूटा होगा तो अभी गिर जाएगा, चलो कोई नहीं टूटा। तो अंदर हमारे स्क्रूज वगैरह हैं लेकिन डिस्प्ले के हैं वो तो हमने नहीं खोलना, साथ साथ में साफ़ करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा है इसको यहाँ से नीचे को खोलना, मे बी यही है। ठीक है, अब वही मेन है। तो ये ऊपर से सपोर्ट दे रहा था लॉक, तो ये हमने निकाल लिया। अब जैसे नॉर्मली खोलते हैं वैसे खोलना है, खुल जा, अरे मास बच आ गया। चलो एक लॉक यहाँ से खुल चुका है, इधर से ट्राई करते हैं अब। नहीं यार एक साइड से करते हैं, रिस्की है थोड़ा, खुल जा खुल जा खुल जा, वे खुल जा, आ जा वे। इस साइड से ट्राई करते हैं, इस साइड तो नहीं आ रहा, इस साइड ट्राई करते हैं। या इस साइड से खुला, ठीक है भाई। लॉग वगैरह देख ले, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसे भी साफ करते हैं। चलो लॉग वगैरह टूटा होगा तो अभी ऐसे करेंगे तो बाहर आ जाएगा उतना मच। चलो नहीं आया, सबसे पहला स्टेप अंदर से पहले दिखाता हूँ, नहीं सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए बाद में। बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए
ये क्या लगा हुआ है ऊपर, चलो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपल है, उसको बस बाहर निकाल देना है, थोड़े थोड़े दिए होते हैं कोने। चलो भी आ गई बैटरी, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने कर दी है। तो बैटरी देख लेते हैं 90 वाट आवर की है ना, किधर लिखा है 90 90 90, हाँ 90 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंदर से देख लो, मैंने रैम इंस्टॉल कराई थी जियोनिक्स कंपनी की, जो कि मुझे आई थी कंपनी के थ्रू, इसके ऊपर मैंने बनाई थी वीडियो। तो रैम देख लो सिंगल चैनल ही है, एक ही रैम लगी है, इधर साइड वाली खाली है, तो इधर इधर लगाते हैं। कंपनी की SSD यहाँ पे लगी हुई है 512 वाली, एंड ये आई थिंक एक सेल लगा हुआ है, जो कि होता है थोड़ा बहुत, सेल सेल ही है ना, या रिंगर है कोई, सेल या रिंगर होगा, रिंगर होगा ये। फैन के अंदर थोड़ी बहुत डस्ट है, लेकिन जब पहली बार खुलवाया था तब बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो उसको मैं साफ़ कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मदरबोर्ड से लेके एस बोर्ड से कनेक्टर है ये, एंड ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये डिस्प्ले की वायर आ रही है, एंड बाकी ये फैंस हैं। ठीक है चलो, इसके अंदर से लिक्विड मैटर इंस्टॉल है, बाकी अंदर से खोलने तो नहीं वाला मैं, हमने रैम इंस्टॉल करनी है। एंड ये रहा Wi-Fi 6 किलर वाला, किलर कंपनी का है, किलर 1650i, 1650i ग्राफिक कार्ड होता है ना, 1650i, 1650i है ये। ठीक है, तो फैंस वगैरह का कनेक्टर, एक ये रहा फैन कनेक्टर, एक इसका ये उसके नीचे होगा, बाकी हीट सिंक्स वगैरह, बैटरी कनेक्टर ये लगी हुई थी उसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने कर ली ताकि मदरबोर्ड पर टच ना हो। चलो अब साफ सफाई कर लेते हैं, फिर रैम की अनबॉक्सिंग करते हैं। साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा मैं, देखो बिल्कुल पोला पोला हाथ लगाना है, ठीक है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो क्या कर रहा हूँ मैं, फ़ैन को वैसे टच करके ना फ़ैन को घुमा रहा हूँ, ताकि फ़ैन पे प्रेशर भी ना ज़्यादा पड़े और अंदर से सफाई भी हो जाए, जो मिट्टी होगी वो गिर जाएगी नीचे, जो फैन के ऊपर होगी ना मिट्टी, वो इससे इससे करने से ना उतर के नीचे नीचे चली जाएगी, फिर हमने मारनी है फूक। ठीक है, तो पोला पोला साफ कर लिया ऐसे, सेम इधर करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, वैसे तो एरो ब्लेड फैंस हैं ये, हार्ड हैं, स्टील स्टील के फैंस हैं ये, लेकिन तभी आवाज़ बहुत करते हैं पिटीटर के, है ना ये। और अंदर भी एक सील है, ये यहाँ पे सील आप दे सकते हो, इधर भी है एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर भी एक सील है, तो वो सील हम नहीं छेड़ेंगे। और मदरबोर्ड पे मैं फूक मारूंगा, मदरबोर्ड पे ये नहीं मारूंगा मैं, पुराने लैपटॉप जरूर मार लेता था मैं, लेकिन ये भाई अपना वारंटी वाला लैपटॉप है, खराब नहीं करना, हमने रिस्क नहीं लेना। तो इधर जो उसके हॉट एयर के बाहर निकलती है ना, ये जो सिंक्स हैं, वेंट्स हैं, उधर भी मार लेते हैं इसे, अब भाई फूक मारनी है और मदरबोर्ड फूक मार लेते हैं। फूक देखो उसी डायरेक्शन में मारना जिस डायरेक्शन में फैन घूमता है, लेकिन अभी दोनों पे घूम सकता है, बैटरी डिस्कनेक्ट ये से, चलो तो यहाँ से देखो नीचे से फूक मार रहा हूँ, ताकि जो मिट्टी नीचे गिरी है वो ऊपर से निकल जाए, अब और फैन के ऊपर से भी मार सकते हो एक बार, बाकी ठंड है थोड़ी, ओस ना जम जाए बस। चलो लैपटॉप की हो चुकी है सफाई डन, अब रैम की अनबॉक्सिंग करते हैं, उससे पहले इस पे भी ये मार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे भी वेंट्स है ना, इतना मैंने टफ के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया जितना इसमें दे रहा हूँ मैं, क्योंकि तो भाई ये महंगा लैपटॉप है, चाहे खरीदा 50 में ही है, लेकिन भाई पैसे नहीं है ना, किस्तों पे खरीदा हुआ है भी। बाकी मेरे पास Aspire 5 पड़ा हुआ है, i5 12th generation वाला विद RTX 2050,
किसी को खरीदना हो बता देना। बिल्कुल, एक खाली 1 महीना यूज़ किया हुआ है, पिछली से पिछली सेल में लिया था अक्टूबर की, तो है जरूर 2 साल पुराना। 2 साल पुराना नहीं, 1.2 मंथ्स, 1 साल 2 महीने, 1 साल 1 महीने पुराना है, लेकिन यूज़ मैंने 1 ही महीना किया है उसे। बस वो वीडियो का रिव्यू वाली वीडियो बना दी, उसके बाद मैंने पैक करके रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टफ था, मैं टफ यूज़ करता था, एक टाइम में एक ही लैपटॉप यूज़ होती है, तो मैंने उसे रख दिया था। मैंने सोचा था कभी ट्रैवलिंग करूँगा तो उसे लेके करूँगा, लेकिन टफ ही ले गया था जब मैंने ट्रैवल किया, उसके बाद ये नियो ले गया, तो वैसे का वैसा पैक करके पड़ा हुआ है। तो किसी को लेना हो बताना, 2 साल की वारंटी के साथ लिया था। चलो उसका खोल रहा हूँ मैं, तो उसकी पड़ी हुई है 7 9 10 महीने की वारंटी तो पड़ी हुई है उसके, तो किसी को लेना हो बताना। और बिल्कुल न्यू ही पड़ा है, कोई स्क्रैच वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो भाई देखो, इधर खांचा इधर वो, तो अंदर भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ए डाटा DDR5 4800 MHz 16x8, 16 GB की है ये। तो जब से खरीदी तब से खोली तक नहीं थी मैंने। आ जा बाहर, आ जा आ जा आ जा। रैम काली है, ये बढ़िया लग रही है, मैट ब्लैक कलर में। अबे आ जा बाहर, यही चीज जिसकी लगती है। आ गया वो। तो ये है हमारी रैम, हो जा फोकस, ठीक है। तो ये थंबनेल पे लगा देंगे, ठीक है। तो एक बार थंबनेल वगैरह मैं ले लेता हूँ फ़ोन से। चलो अब लगा लेते हैं रैम को। तो ये चीज़ लगी हुई है, चिपका हुआ है ये, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। बड़ा यार, बड़ी तेज़ ग्लू है, इसकी मेहनत तो लगेगा नहीं है। चलो थोड़ा सा उठाया है, अब लगा देते हैं रैम को। भाई ये देखो, इसका ना सेंटर पे है नहीं, हाँ सेंटर पे लग रहा है ये, तो कौन सा सीधा पासा दिख नहीं रहा। चलो यही है वैसे तो। चलो रख गई रैम, इसको भी चिपका दिया, रैम लग चुकी है। अब बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ढक्कन लगा के ऑन करके देख लेते हैं। वैसे ढक्कन लगाने से पहले चेक करना चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा लैपटॉप, तो इसलिए बंद करके करते हैं, बाकी खोलना बंद करना भी रिस्की है। तो बैटरी देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, हाथ से हो रही है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर स्क्रू ड्राइवर से धक्के मारने पड़ते हैं अंदर को। चलो ये भी हो चुकी है कनेक्ट, ठीक है, इसको भी आगे कर दिया, मतलब काफ़ी अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत हैं। चलो ये भी साफ़ कर लिया था हमने, अब लगा देते हैं ढक्कन। पेच वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले चेक कर लेंगे लैपटॉप जिंदा है ना। चलो अब लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं, ये पट्टी बाद में लगाएंगे, पट्टी बाद में लगाएंगे, पहले ये देखो कैसा लग रहा है। ऑन करके देखती है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, हो जा ऑन। है ऑन नहीं हुआ, अरे ऑन नहीं हुआ, ऑन क्यों नहीं हो रहा। बैटरी तो कर लीजिए कनेक्ट, उनकी करा। यहाँ पे देखें कुछ, कोई बटन बुटन तो नहीं है यहाँ पे। चार्जर कनेक्ट करके देखें क्या होता, बैटरी सही से ना लगी हो। भाई ऑन नहीं हो रहा, रुको चार्जर कनेक्ट करके देखता हूँ, पॉज करें वीडियो तक। चलो चार्जर लाने गया था मैं, इसलिए पॉज की थी, ऑन हो जाए बस। वाह, चार्जर लगा के ऑन हो गया, तो मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं हुई शायद, फिर से करनी पड़ेगी, ट्राई करते हैं बाकी, लेट्स सी। अभी भी देखो डिस्प्ले नहीं आई है, अभी देखना ये कीबोर्ड की लाइट है ना, ब्लिंक होगी, ऑन ऑफ होगा लैपटॉप,
रैम हमने इंसर्ट की है ना नई, तो वो रीड कर रहा है अभी लैपटॉप, नई चेंजेस ना रीड करता है। फैन तो चल गए, लैपटॉप की आवाज़ आ रही है, डिस्प्ले नहीं आई लेकिन अभी तक। तो यहाँ पे एक आध मिनट टाइम देते हैं लैपटॉप को रीस्टार्ट होने का। यहाँ पे रीस्टार्ट होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर मैं पुराना अपना एक्सपीरियंस से याद करूँ तो, टफ के एक्सपीरियंस से, हुआ नहीं ऑन अभी तक, डर लग रहा है। ओह डर लग रहा है। हाँ आ गया, ये डिस्प्ले आ गया, प्रिडिक्टर आ गया लिख के, ठीक है वो हीटर रखा है, प्रिडिक्टर आ गया लिख के। देखो रिस्टार्ट होता नहीं होता यहाँ पे। अच्छा ये विंडोज़ भी अपडेट आई हुई थी, याद आया, मैंने इंस्टॉल नहीं की थी, वो इंस्टॉल हो रही है विंडोज़ अपडेट। अब बैटरी चार्जर निकाल के देखूँ क्या सा बैटरी पे चल जाए उस भाई, मुझे डर लग रहा है कहीं बैटरी के तारे तुरंत टूट गई हो, रिस्की काम हो जाएगा। जो बैटरी का प्लग होता है वो खींच ना गया हो तारे उसकी। चल जल्दी ऑन हो यार, डर लग रहा है मेरे से। डर नहीं मतलब धड़कन तेज हो गई, तो ये रीस्टार्ट विंडोज अपडेट की वजह से हो रहा है। तो अभी 8 बिट तेज हो जाती है। क्योंकि किस्तों पे लैपटॉप है ना, कैश लिया होता तो बात अलग है, कि यहाँ बड़े आदमी है, पैसा है, कैश पे लिया है तो फिर दिक्कत नहीं होती, कोई नहीं खराब हो गया और ले लेंगे, ऐसा सीन नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे वही किस्त पे है लैपटॉप, और EMI अभी तक दी भी नहीं मैंने। हो जा ऑन। ये बीच में विंडोज अपडेट करके मुझे बंद करना चाहिए था लैपटॉप को। अब बैटरी यहाँ पे देखो लाइट तो आ रही है बैटरी चार्जिंग की, तो मे बी कोई फीचर होगा रैम, मतलब कुछ चीज़ का चेंज करने के बाद चार्जर के बाद ही ऑन होगा। जैसे फर्स्ट टाइम लैपटॉप ऑन करते हैं ना नया लैपटॉप, और तो बिना चार्ज लगाए ऑन नहीं होता, तो वैसे ही मे बी कोई सीन हुआ होगा, तो चार्जर निकाल के देखें। बाकी अब ऑन होगा तो नीचे पता लग जाएगा, बैटरी नीचे शो हो रही होगी तो मतलब चल रहा है बैटरी पे। अगर बैटरी एरर आ रहा होगा अंदर, फिर बैटरी खोल के दोबारा चलानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी मतलब। ये क्या, देखो लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया वहीं पे। अब ये रैम का, इसने रैम की वजह से अब रिस्टार्ट हुआ है ये शायद, देख रहे हैं। बाकी ऑन तो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही मुझे अभी तक, रिस्क तो नहीं लग रहा कुछ अभी। अब यार अपडेट चलो हो गया ऑन, देखा मेरा लैपटॉप ही है, देख लो, सब्सक्राइब कर दो टेक्निकल फैज को। विंडोज अपडेट की वजह से थोड़ा लेट हो गया ये। हाँ बैटरी चार्ज ले रही है, हाँ 78% बैटरी शो हो रही है, ठीक है तो मतलब मैं चार्जर निकाल सकता हूँ, ठीक है निकाल दिया तो बैटरी सही है हमारी, बंद नहीं हुआ लैपटॉप। अब रैम चेक कर लें, ओ भाई हो गई रैम 32 GB, देख लो भाई 32 GB रैम हो चुकी है, 2x4 आ चुका हुआ है, उसे तो है 2 स्लॉट ही, पहले 1x4 आ रहा था, ठीक है 32 GB रैम हो गई हमारी, 32 GB यूजबल रैम है अब 31.7 GB। अब भाई करेंगे 32 GB रैम पे गेमिंग रिव्यू इन फ्यूचर। तो ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी ये कर लेता हूँ मैं बंद, सीधा लगाना है पेच वूच लगाने हैं फिर, ठीक है वो मैं कर लूँगा बंद। आप लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड फ्यूचर वीडियोस के लिए जरूर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।